हेलो एवरीवन, मैं हूं काजल और आप देख रहे हैं रिम्स गार्डन। दोस्तों, जब आप नर्सरी जाते हैं तो वहां पे बहुत तरह के प्लांट्स देखते हैं। उसमें एक खास अलग तरह का प्लांट भी आपको दिखता है जिन्हें कहते हैं सकलेंस। सकलेंस बहुत तरह के होते हैं। सकलेंस यूजुअली उन प्लांट्स को कहा जाता है जो नॉर्मल प्लांट से कुछ ज़्यादा गुदे वाले होते हैं, यानी कि जो ज़्यादा रसीले होते हैं, उन्हें सकलेंस कहा जाता है। जब हमारी नज़र सकलेंस पे पड़ती है तो बहुत मन करता है ना उन्हें खरीदने का। हम खरीद भी लेते हैं, घर भी ले आते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वो काले पड़ने लगते हैं या मुरझा जाते हैं और हम कितनी भी कोशिश कर ले वो फिर से पहले जैसे नहीं होते हैं। बुरा लगता है ना, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और सकलेंस महंगे भी आते हैं तो थोड़े ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें सकलेंस की केयर करना नहीं आता है। सकलेंस बाकी पौधों से अलग होते हैं, इसीलिए उन्हें बाकी पौधों से कुछ अलग टाइप चाहिए होती है। सकलेंस काले क्यों पड़ते हैं? आपको पता है ना कि सकलेंस रेतीली जगहों पर उगते हैं, इसलिए उनकी पत्तियों पर पहले से पानी होता है, जिसके कारण उन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। और यही रीज़न है कि जब आप सकलेंस में ज़्यादा पानी डालते हैं तो उनके पत्ते काले पड़ने लगते हैं। दूसरा रीज़न होता है मिट्टी। सकलेंस को कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उन्हें ऐसी मिट्टी में लगाया जाता है जो सूखी होती है और जिनमें पानी ज़्यादा देर तक नहीं ठहर पाता है। तीसरा मेन कारण होता है सनलाइट। सकलेंस को ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर हाँ, उन्हें धूप की ज़रूरत रोज़ होती है। सकलेंस को कम से कम रोज़ 2 से 3 घंटे की धूप चाहिए होती है। ये देखिए, मेरे पास कितने सारे सकलेंट्स हैं। मैं जब भी जाती हूँ ना नर्सरी, तो मैं कुछ कुछ सकलेंट्स लेके आती हूँ और कुछ मैंने ट्रांसप्लांट करके भी लगाए हैं। जैसे कि ये सब आप देख सकते हैं, ये मैंने सब नए ट्रांसप्लांट किए हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना छोटे छोटे सकलेंट्स। तो इसमें से मेरे देखिए, ये जो मेरा है ना, ये मेरा फेवरेट है, इसे टॉपसी टर्वी कहते हैं। ये मेरा फेवरेट सकलेंट है, लेकिन इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके जो पत्ते हैं वो नीचे से सूख गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं इसे ट्रांसप्लांट करके आपको दिखा दूँ। तो चलिए इसे ट्रांसप्लांट करते हैं। तो चलिए हम सकलेंट्स के लिए पहले पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें ली है क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि सकलेंट बाकी पौधों से अलग होते हैं, इसलिए इन्हें कुछ अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जो हम सभी पौधों पर इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मल गार्डन सॉइल है। ये मैंने ये लिया हुआ है। सभी चीज़ें मैंने जितनी भी ली है सब सेम क्वांटिटी की ली है। फिर ये है कोको चिप्स, देख सकते हैं, ये भी मैंने उतनी ही ली है। तीसरा मैंने लिया है लकड़ी का कोयला, ये देख सकते हैं ये। फिर ये मैंने ली है बजरी, जो कि बालू से जो कंकड़ होते हैं वो है ये। ये भी मैंने उतनी ही ली है। ये है क्लिंकर, ये भी मैंने उसी क्वांटिटी में ली है। उसके बाद मैंने लिए यहाँ पे सूखे पत्ते, ये देख सकते, ये सूखे पत्ते हैं, इन्हें मैं तोड़ के इसमें मिला दूंगी। मैंने सूखे पत्ते ले लिए हैं। अब जो हमारा आखिरी है, नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है एनपीके लिया है मैंने ये, लेकिन ये हम इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलाएंगे, उसके कुछ दाने भी बहुत है, तो मैं इसमें बस इतना सा डाल रही हूँ। और अब हम इसे मिक्स करेंगे। ध्यान रखें कि आप ग्लव्स ज़रूर पहन लें क्योंकि इससे आपके हाथ खराब हो सकते हैं। देखिए, तो मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक पॉट लिया है, इसमें हम अपने प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करेंगे। तो पहले इसे हम इसमें डालेंगे। इसका जो मिक्सचर हमने तैयार किया है इसमें हम इसमें डाल देंगे, ठीक है, इतना। तो चलिए पहले हम अपने इंचवेरिया प्लांट को इसके पुराने प्लांटर से बाहर निकालते हैं। देखिए, बहुत ईजिली निकल गया है। इसमें मिट्टी पहले से भी, इसका भी इस्तेमाल हम कर लेंगे, ठीक है। ये जो हमारा है, इसके जो सूखे पत्ते जो है वो
इसके सूखे पत्ते बहुत इजीली हाथों से भी निकल जाएंगे, तो पहले हम इसकी मिट्टी निकाल लेंगे। ये इसकी मिट्टी निकल गई, अब हम इसे यहाँ से काट लेंगे, इससे हमारा नया पौधा लग जाएगा। यह हमारा सकलेन निकल गया है, अब हम इसे देखिए इसके जो सूखे पत्ते हैं ना, पहले हम इसे, ये बहुत इजीली हाथों से निकल जाते हैं क्योंकि ये मुरझाए हुए पौधे, इसे हम निकाल लेंगे। चलिए अब इसे लगाते हैं। ये हमारा छोटा सा जो अलग सा पौधा निकला था, तो पहले हम इसे ट्रांसप्लांट करेंगे। ये देख सकते हैं हम इसे, इसे हम अच्छे से इसे क्लीन कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमने प्लांटर तैयार किया है, इसमें हम इसे थोड़ा सा स्पेस बना के और फिर इसे डाल देंगे अच्छी तरीके से, और फिर ऊपर से कुछ पुरानी मिट्टी जो उसमें हमने निकाली थी वो डाल देंगे हम इसमें बस, और कुछ नहीं करें। और उसके बाद हम इसमें ऊपर से पानी स्प्रे करेंगे, बहुत ही कम क्वांटिटी में पानी डालेंगे हम इसमें। और आपको रोज पानी इसमें कभी नहीं डालना है, अब 3 से 4 दिन या जब तक पूरी मिट्टी सूख जाती है तब तक ही इसमें पानी डालें। फिर ये हमारा जो सकलेन था, ये जो पहले हमने निकाला था, तो हम इसे भी वापस से उसी प्लांटर में प्लांट कर देंगे। तो इसे भी हमने जो पोटिंग मिक्स तैयार की थी उसी में लगाएंगे। हमने अपने प्लांटर को अच्छे से भर लेते हैं पहले उस पोटिंग मिक्स से, और ठीक वैसे ही हम इसमें बीच में जगह बनाएंगे थोड़ी सी, और इस सकलेन को इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम ऊपर से वही पुरानी मिट्टी को चारों तरफ से इसमें डाल देंगे अच्छी तरीके से, और फिर वैसे ही हम इसमें हल्का पानी स्प्रे कर देंगे। पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, नहीं तो आपके पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो ये लीजिए, तैयार है हमारा सकलेन ट्रांसप्लांट पौधा। तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी आज की वीडियो? सकलेंट्स की केयर करना तो मैंने आपको बता दिया, साथ ही 1 से 2 सकलेंट करना और 2 से 4 करना भी आप सीख ही चुके हैं। तो चलिए आप भी कीजिए अपने सकलेंट को 1 से 2, 2 से 4। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।